तो भाई लोग कैसे हो गाइस, फाइनली मेरे को मोटो G34 5G स्मार्टफोन रिसीव हो चुका है। एंड गाइस बहुत ज्यादा वेट किया इसके लिए मैंने गाइस, जैसे ये ऑनलाइन आया था सेल पे मैंने तुरंत इसको ऑर्डर कर दिया था, उसके बावजूद 7 से 8 दिन बाद ये मेरे को मिला है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड बाकी की बातें इसी के साथ में करते हैं। गाइज ये रहा मोटो G34 5G का बॉक्स। एंड गाइज यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस हैं जो मेरे को दिख रहे हैं, आंखों से शायद कैमरे में अच्छे से विजिबल नहीं होंगे, बट फ्लिपकार्ट को मुझे लगता है और ज्यादा पैकेजिंग पे ध्यान देना चाहिए। सो इसको पहले मैं कट कर लेता हूँ। ओ भाई निशाना कभी सही पे नहीं लगता। सो फाइनली ये हो गया कट। चलो इसको ओपन करते हैं। बिल्कुल आईफोन वाली फीलिंग आ गई भाई इतना आसानी से। सो ये रहा हमारा फ़ोन, इसको पहले निकाल के रखते हैं साइड में, देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है एंड उसके बाद में ये मिल गया एक चार्जर और ये रही इसकी केबल। सो बाकी चीज़ें रखते हैं साइड में। पहले ये चार्जर की बात करूँ तो भाई चार्जर ओवरऑल ठीक है, कितने वाट का है डिस्प्ले पे मैं शो कर दूंगा। एंड यहाँ पे अगर आप लोग केबल को देखोगे तो केबल जो है इधर से पूरी की पूरी टाइप सी हो रखी है एंड टाइप सी टू टाइप ए केबल है ये। और ये कागज़ का जो है पैकेजिंग के अंदर दी गई है, चार्जर भी कागज़ का जो है रैप इसके ऊपर से चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम और प्यारा लग रहा है। एंड अगर बात करूँ मैं इस फ़ोन की तो ये रहा फ़ोन। चलो इसकी पहले पन्नी उतार देते हैं। ओ भाई क्या फोन है, मतलब लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है गाइज। जब मैंने इसकी फोटो देखी थी तो मुझे इतना प्यारा ये लग नहीं रहा था, लेकिन यार कसम से हाथ पे इतना ज्यादा सेक्सी लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। सॉरी ये मैंने क्या बोल दिया, बट वाकई में लग रहा है। एंड ये पूरा जो है लेदर है, प्योर लेदर दिया गया है गाइज, इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल प्रीमियम फोन लग रहा है। एंड इसका वेट यार मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा लाइट वेट, मुझे लग रहा है ये 200 ग्राम का होगा। सो चलिए इसको बूट कर लेते हैं। गाइज मैं फर्स्ट टाइम किसी मोटो ब्रांड के फोन को स्विच ऑन कर रहा हूँ एंड हाथ पे ऐसे होल्ड करे हुआ हूँ, काफी ज्यादा मेरे को प्यारा लग रहा है एंड बिल्कुल मेरे लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है। इसने हेलो मोटो बोल दिया एंड इसको सेटअप भी कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको पोर्ट्स एंड बटन दिखा देता हूँ। वाओ भाई, मतलब बजट में ये 3.5 mm का जैक दे दिया, बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड ये टाइप सी का जो है पोर्ट है चार्जिंग के लिए एंड ये एक माइक्रोफोन एंड यहाँ पे स्पीकर ग्रिल वगैरह दी गई हैं, काफ़ी अच्छा काम किया इसने। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का जो है ब्रांडिंग दिया गया है एंड ऊपर एक नॉइज कैंसलेशन के लिए माइक्रोफोन है एंड बैक में 50+2 megapixel के कैमरा दिए गए हैं एंड एक फ्लैश लाइट भी आपको देखने को मिलती है। साइड में आप लोग देखोगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन एंड इसी के साइड में पावर बटन है जिसके अंदर की फिंगरप्रिंट भी दिया गया हुआ है और इधर साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाता है। तो अभी इसको सेटअप करके देखते हैं। सो गाइज ये फोन का सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड लगभग 4 से 5 घंटे मैंने इसको यूज कर लिया है, बहुत ही ज्यादा डीपली यूज किया है, इसलिए अब आगे की वीडियो में मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं यार, इसके बॉक्स में मेरे को कहीं पे भी इस फोन का कवर देखने को नहीं मिला, ना ही इस पे प्री इंस्टॉल टेम्पर्ड मिला और ना ही इसके डिब्बे पे टेम्पर्ड मिला। तो यार अगर मोटोरोला गलती से भी ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार एटलीस्ट अपने फोन के साथ में एक कवर दे दो और एक टेम्पर्ड दे दो। वैसे टूटने का चांस पीछे से तो कहीं भी नहीं है, टूटेगा भी नहीं और फ्रंट से भी इतनी जल्दी टूटता नहीं है, फिर भी स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं यार। सो मोटो इसको सुधार सकते हैं आप लोग। गाइस अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में दी गई है। इसमें मैंने मल्टीमीडिया करी, वीडियोज वगैरह देखे, गाने वगैरह सुने, सो उसका एक्सपीरियंस मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इवन इसका जो डॉल्बी एटमॉस का साउंड है उसकी वजह से जो लेफ्ट राइट दोनों स्पीकर से आवाज आती है ना, काफी ज्यादा स्वीट है और बहुत ज्यादा अच्छी आवाज है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं गाइस इसके बैटरी की, तो बैटरी इसमें 5000 mAh की देखने मिलती है। इसी के साथ में 18 वाट का चार्जर देखने मिलता है जो कि समथिंग 1 से 1.5 घंटे में आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। एंड उसके बाद में इसका जो बैक कैमरा है ये 50 megapixel का है, उसी के साथ में ये एक माइक्रो कैमरा दिया गया। बाय द वे इसके बैक कैमरे की आप लोग ये वाली फोटो देख सकते हो गाइस, काफी ज्यादा अच्छी फोटो क्लिक करी है, डायनेमिक रेंज भी ठीक है एंड जो डिटेल है फोटो में वो भी वेल मेंटेन है। एंड 11,000 के फोन पर इससे ज्यादा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। एंड गाइस फ्रंट कैमरे की बात करूं तो वो 16 megapixel का है एंड इसकी आप लोग नॉर्मल सेल्फी देख सकते हो, जो कलर है और जो मेरा फेस पे थोड़ा सा ग्लो दिया है इसने, काफी ज्यादा नेचुरल दिया है। एंड ये दूसरी फोटो आप लोग देख सकते हो, पोर्ट्रेट शॉट इससे लिया है, इसके फ्रंट कैमरे से काफी ज्यादा अच्छा है
एंड मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल तो लगता है पर ठीक है। एंड गाइस ये स्मार्टफोन 1080p हाई एंड रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। 1080p से ऊपर शायद आप लोग नहीं जा सकते हो, और अगर जा सकते हो तो अभी मेरे को वो ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैंने काफी सर्च किया तो मुझे नहीं मिला। लेकिन एक कमाल की चीज मेरे को देखने मिली, वो है वीडियो स्टेबलाइजेशन। इसमें EIS का सपोर्ट मिलता है, OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। OIS क्या होता है कि कैमरा मूव करता है, और EIS में इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क करता है। तो EIS का सपोर्ट मिल रहा है, बोले तो आपकी वीडियो स्टेबल रिकॉर्ड होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेबल होगी। सो अगेन 10,000 के प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन पे EIS मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड इसी के साथ में गाइस इसमें IP52 की रेटिंग मिलती है, अगर हल्का फुल्का पानी की बूंदे इसके ऊपर गिर जाती है या बारिश में थोड़ा बड़ा भीग जाता है तो सर्वाइव कर जाएगा, नो डाउट। एंड गाइस नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो यार परफॉर्मेंस के मामले में तो ये फोन बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके पहले 20,000 से 25,000 के जो फोन लॉन्च हुए थे उसमें ये स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर यूज किया गया था। एक वीवो का T2 करके कोई फोन है गाइस, वो 25,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, उसमें भी यही प्रोसेसर यूज हुआ था जो इस फोन पे है। एंड ये प्रोसेसर गाइस अपनी सीरीज का और अपने टाइम का बोले तो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर होने वाला है, क्योंकि जो इसके थ्रॉटल वगैरह हैं वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, अभी भी इसके थ्रॉटल स्टेबल हैं। एंड परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ में अगर BGMI की बात करूँ तो गाइस इसमें स्मूथ में अल्ट्रा और बैलेंस में अल्ट्रा एंड HD में हाई सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। सो गेमिंग इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। फिलहाल गाइस इसमें मैंने BGMI को प्ले करके नहीं देखा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे चेक करना बाकी था इसके अंदर, इस वजह से मैं BGMI खेल नहीं पाया। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं BGMI खेल के आपको दिखाऊं तो कमेंट कर दीजिएगा, वो वीडियो में इस पे ला दूंगा। एंड गाइस इसी के साथ में एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट इसके अंदर देखने मिलता है, एंड 3 साल तक इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये सारे अपडेट हमको सिक्योरिटी प्लस सॉफ्टवेयर अपडेट हमको देते रहेंगे। तो ये काफी बड़ा कदम है और काफी अच्छी चीज है, और वैसे भी ये प्री इंस्टॉल एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है। अभी जितने भी एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं 10-15 हज़ार के प्राइस पे, उनमें किसी में भी एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, स्टिल ये फोन एंड्रॉइड 14 पर आता है, ये नोटिस करने वाली बात है। एंड इसमें कुछ यार एप्लीकेशन मेरे को बहुत बुरे लगते हैं, जैसे कि ये गेम सब नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, ये फालतू में दे दिया गया है। एंड उसी के अलावा यहाँ पे ये लिंक्डइन वाला फालतू एप्लीकेशन है, और ये 3 पत्ती जैसा एक गेम है, ये बहुत सारे फालतू के एप्लीकेशन इसमें प्री इंस्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ये अनइंस्टॉल भी हो जाते हैं, आप लोग इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, सो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कुछ फ़ोन ऐसे हैं जैसे कि इन्फिनिक्स है, मैं खुल के नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि इन्फिनिक्स ब्रांड है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होते हैं उनको आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर ही नहीं पाओगे, केवल डिसेबल कर सकते हो, और कुछ तो डिसेबल भी नहीं होते हैं। सो ये बहुत गंदी चीज है, इस मामले में ये विनर है गाइस। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, तो गाइस इसका जो बेस वेरिएंट है जो कि मेरे हाथ में है, ये 10,999 की प्राइस पे आता है, एंड जो इसका टॉप वेरिएंट है वो आता है 11,999 की प्राइस पे। लेकिन अगर आप लोग कार्ड वगैरह लगा के लोगे तो आपको जरूर से जरूर डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि मेरा फोन मेरे को पड़ा 10,250 का, 750 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया था, तो काफी अच्छी चीज है। अगर आप लोग कार्ड लगा के शॉपिंग करते हो तो हाँ आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर बात करूं कि ये फोन किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप लोगों का बजट 11,000 से 13,000 तक है तो आप लोगों को यही फोन के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि यार इस प्राइस पर इससे अच्छा फोन आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फोन एक ऐसा फोन है जो ऑलराउंडर काम करेगा। एंड मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक गेमिंग या फिर कैमरा फोन लेने से अच्छा है आप एक ऑलराउंडर फोन ले लो, क्योंकि ये आपका प्राइमरी डिवाइस होने वाला है, ना कि आपका कोई गेमिंग डिवाइस होने वाला है। सो ये फोन आप लोगों के एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। एंड एक चीज मेरे को लेदर में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सुनाई दे रहा है, मेरे को इसमें घिसने में बहुत मजा आता है। सो अगर आप लोगों को मजा आता है तो इस फोन को ले लो और घिसते रहो। एंड अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, नया मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।